हे गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन, जैसे घर पे बोला जा रहा है, बिग बॉस के घर के अंदर। जैसे ऐश्वर्या का क्लिप आपने देखा होगा कि मुनावर और आयशन को फेक लग रहे, तो क्या वो फेक है बिग बॉस के घर के अंदर? तो रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इट। एंड मुनावर फारूक की छग लाइव फ्रॉम बिग बॉस 17। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माई चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। So let's go. I don't think so. I'm ready for this conversation. That is wrong, and I'm sorry for that. Aisha, I'm kyun kya yaar? I'm like, Aisha, I have to be maaf nahi kar sakta for what you have done. But I don't think so. I'm ready for this conversation yet. Aisha, this is not how you deal with things. Jeez. मनारा झाटी नहीं रही है। मनारा मनारा इज मैड और वॉट, वो आ ही नहीं जाइए वहाँ खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही है। But you guys were not committed, तो उसमें उसकी नहीं, पर ऐसी लड़की से तो शादी का हिंट होता है। तो ये बोला कि मैंने इनडायरेक्ट फ्लर्टिंग होते हैं, ऐसा नहीं था कि हम ऐसी कुछ। अगर मैं एक लड़का हूँ और अगर मेरा सपोज ईशा के साथ ब्रेकअप हो गया और मैं आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ, बट अगर मैं आपके साथ कमिटेड नहीं हूँ तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। पर आप मुझे इन्फॉर्म करोगे ना बाबा? बट अगर मैं मूव ऑन होने की ट्राई कर रहा हूँ तो आप मुझे यूज कर रहे हो मूव ऑन होने के लिए? नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि मैं वहाँ से आपके साथ एक चीज देख सकता हूँ। सुबह 11 बजे टीचिंग मी वन हिंदी से नमस्ते। नमस्ते, आई नो। नमस्ते, हाउ आर यू? कैसे हो आप? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। पानी पी क्या बोल रहा मैं? खाना दे दू, खाना दे दू। नमूना 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 नमूना, अरे नमूने बोलना पड़ता। गलत जगह सिखाया। कौन है वो बहन का भाई? मुनव्वर फारूकी, आपको डिच कर रहे थे, चीट कर रहे थे, तो लास्ट के 15 डेज जब वो आपसे नहीं मिल रहे थे और वो नाजिला से मिल रहे थे, नाजिला को अंदर शो में प्रिटेंड भी कर रहे थे, इसके बाद तो आपको इससे ज्यादा और क्लियरिटी क्या चाहिए कि वो आप में इंटरेस्टेड अब नहीं है? आप दोनों लोग आगे बढ़ने की कोशिश किए जब वो नाजिला से बात नहीं कर रहा था और आपसे बात कर रहा था। आपसे बात करते करते उसको आपके मूड स्विंग्स, आपका नेचर, आपका बिहेवियर फील हुआ कि शायद वो उसके लायक नहीं है, आपको लगा कि वो आपके लायक नहीं है, और आप दोनों लोग लास्ट मोमेंट पर मिल भी नहीं पाए, वो नाजिला के साथ मिल रहा था। आपको इससे ज्यादा और क्लियरिटी क्या चाहिए? आपको इससे ज्यादा और क्लियरिटी क्या चाहिए? उसके लिए नाजिला इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए नाजिला इंपॉर्टेंट है और आप इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर यहां पर वापस एक बात आती है, आप शो में क्यों आ गई? नेम और फेम की गंध जो होती है ना, यानी स्मेल, जो स्मेल होती है वो आदमी को बहुत ज्यादा परेशान करती है। आयशा जी, आप आ गई, आपने आकर के शो में जो अपने हिस्से की बात कहनी थी कह दी, और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बिग बॉस गिरेमान किसी का भी अगर टटोलने की, जांचने की, देखने की कोशिश करोगे ना, तो कहीं ना कहीं सबके किरदार पे दाग लगा हुआ दिखेगा। तो आप मुनव्वर फारूकी से शुरू कर रहे हो, आपको टीआरपी भी उससे चाहिए, पब्लिक भी उससे चाहिए, हेल्थ भी उसी को दिलानी है। आप गजब हो बिग बॉस यार, मजा आ गया इस बात को देख करके। बट यू आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज आप तो ऐसा करते रहते हो, आपको आदत है करने की, तो मैं आपको गलत बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। और आपके पास चला करके कोई आएगा और आकर के कहेगा, क्लेम करेगा कि मेरे पास मुनव्वर के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, मैं इन चीजों पे बात करना चाहता हूँ, अभी तो वीकेंड का वॉर भी करोगे इसके ऊपर, मुझे पता है। मुनव्वर की यू टेल, इतना बड़ा खुद को क्लेम करता है, वेयर ही स्टैंडिंग? उसने सिर्फ उन लोगों के साथ झगड़ा किया है जो उसके दोस्त हैं। भाई दम नहीं उसमें के सामने आके वो बोल दे, ये उसने उसके सामने क्यों नहीं बोला? मनारा झाटी नहीं रही है। मनारा 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 भी अलग ही कैरेक्टर है यार, वो आ ही नहीं जाइए वहाँ खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही है। सच में आनंद मनारा का सैड सॉन्ग चल रहा है भाई। मुझे भाई ये तो इतनी अफेक्ट हो रही है, इसको तो कुछ बोला नहीं है। दिल जुड़े बिना ही टूट गए। बिहेव योरसेल्फ, ओके, बिहेव योरसेल्फ। क्या हो गया? रियली बिहेव योरसेल्फ। क्या हो गया? गीता को दो तीन ऐसे बोलने वाला था के अभिषेक ने इसको आज ऐश्वर्या बोल दिया। आप एक बार नहीं थे, एक बार मेरे सामने होता तो मैं वो, तो आप भी बोलेंगे ऐसे? नहीं, तो समवेयर इट वाज इन माय माइंड दैट मैं वो
मैं उस बारे में भी बात करने वाला हूँ. बोलिए बोलिए आप ऐश्वर्या. और उस वजह से मेरे मुंह से नहीं निकला. बोलिए आपको जो बोलना. बोलिए क्या है. सॉरी आयशा. आप अंकिता नहीं निकल सकता. नहीं आप जो भी नाम से बोलना. बोलिए उसमें क्लियर नाम है. आपने बोला ना पर ऐश्वर्या अभी मुझको आयशा को भूल चुका. ये सबको पता है. मैं कपड़े बदल के. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऐश्वर्या. आई लाइक इट. सुनो आयशा. बात तो श्योर है कि ये लड़की इसको पसंद बहुत करती है. एंड समथिंग वॉज डेफिनेटली देयर. बट जब मुनावर यहाँ आया उसको रियलाइज हुआ कि इसको ये नहीं चाहिए. इसको एक्चुअली अपनी एंड ऑफ द लाइफ तक नाजिला ही चाहिए. बोलिए फारूकी साहब. सही में यार इनके इशारे क्या रिलेशन है इनका. मैं समझ नहीं पा रही हूँ. मेरे को तो बहुत एक्टिव लग रही है मुनव्वर के साथ. तुम लुक्स भी दे रहे हो. उसने जो बोला वाइट शर्ट मैंने तो पहन के भी जा रहे हो. तुम दिखा रहे हो वैसे हीरो वाली स्टाइल में. क्यों इतना फेक. लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो. आप लोगों ने एक वीडियो देखी थी कुछ दो तीन साल पहले. एक वीडियो वायरल हुई थी. एक लड़का KTM लेकर के जा रहा होता है एंड फिर उसके पिताजी वो बाइक चलाते हैं और वो फिर उसके वो पापा को बोलते हैं कि यार रुक जाओ बहुत तेज बाइक चला रहे हो. पापा ओ शिट वो इतनी तेज बाइक क्यों चला रहे हो. फिर उसके बाप बाप करके बहुत बहुत वायरल वीडियो ऑल ओवर इंडिया में. वो वीडियो मेरा था यार. मैंने देखा नहीं. देखा नहीं मैंने भी. इसके साथ कोयले सी रातें मेरी हीरे सी एंट्री तेरी इन्हीं में डूब जाऊं आंखें जो गहरी तेरी. मैं कभी कह नहीं पाया मगर तुझसे ही मुकम्मल जिंदगी में. आज तेरे इस दिन पर तेरा ही हाथ मांगना है. तेरे हर सुख दुख में अपने आप को बांटना है. अब जब हम बिग बॉस के घर में आ ही गए हैं तो तेरे दुश्मनों को एक एक करके छांटना है. हमारे प्यार की ताकत है भीम जैसी. भीम भीम तू है सॉफ्ट कोल्ड क्रीम जैसी. तुझे देख के हो जाता हूँ मैं पीला. अब खाऊंगा तेरे हाथ का रोज चीला. रो मुंह से ना खाना जा रहा है. तुम्हें क्या गलती मेरी नहीं. तुम्हें कोई गलती नहीं भाई. और यू कैन टॉक टू मी. आई विल टॉक. बात कर सकते. जरूरत होगी तो कर लूंगी मैं जब लगेगी. आपको जरूरत है इसलिए आप यहाँ. ये सही था. ओके मस्त था मस्त. क्या क्या हुआ इस क्लिप के अंदर इस पूरे वीडियो के अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा. एक मैंने आज क्लिप देखी थी जहां पे ये बोल रही है कि मुझे मुनावर से कुछ लेना देना नहीं है करके. ठीक है इतनी अच्छी इक्वेशन घर के अंदर शेयर करने के बाद तो लव हेट क्या रिलेशन है यहाँ. बदला लेने आई है मुझे. मतलब वो साइलेंट बदला नहीं होता कोई कोई का. समझ में नहीं आता उस तरीके का. एंड जो मनु पंजाबी कह रहे वो भी सही है. वैसे तो देखा जाए तो नाम नाजिला का लिया जा रहा है थ्रू आउट. उसको मिस किया जा रहा है सब कुछ. नाजिला ने लड़ाई करने आनी चाहिए कि बाहर जब मैं हूं मुझे ये चीजें सुनाई दे रही तुम्हारे बारे में. ये चीजें बोली जा रही तुम्हारे बारे में. मुझे इस चीजों का जवाब दो. मुझे बताओ क्या है. तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ. बट नाजिला नहीं आई और वो आई जो बोल रही कि हमारे बीच में कमिटमेंट टाइप कुछ नहीं था बट देर वॉज अ थिंग. ठीक है मतलब उसने भी कंफ्यूज कर रखा है. मुनावर ने तो मान ली गलती अपनी. बट आयशा ने भी कंफ्यूज कर रखा है कि देर वॉज अ थिंग करके. ठीक है तो वो इतना समझ में नहीं आता. और फिर उसके साथ बात करना भी बंद कर दिया था कब से ही. वो देख रही है पोस्ट वगैरह कि नाजिला को मिलके तो जा रहा है बिग बॉस घर के अंदर. मुझे इग्नोर कर रहा है. ओ गॉड
मेस्ड अप थिंग्स. आपको क्या लगता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना. ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत मियाले चा बाय.